आप नजरीन आप देख रहे हैं ग्रोविंग कश्मीर। ग्रोविंग कश्मीर के इस नशस्त में आपका खैर मकदम। इस वक्त आपके सामने आने का मुद्दा व मकसद क्या है? साफ तौर पर मुद्दा व मकसद ये है कि जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में तेज़ हवाएं चली हैं। अगर अनंतनाग की बात की जाएगी 80% लोग हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता है, तो जो 20% लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टरों में जॉब कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुशनीपोरा में। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको दिखाने की कोशिश करे। यहाँ पे जो है 6 बजे से तेज़ हवाएं चली हैं, अभी भी हवाएं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हॉर्टिकल्चर तबके की बात की जाएगी तो हॉर्टिकल्चर तबके को जो है यहाँ पे बहुत नुकसान हो चुका है। अगर इससे पहले हम बात करेंगे अनंतनाग की, चालाबारी भी हो चुकी हैं। चालाबारी के बाद भी हमने देखा कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो हैं उन्होंने अभी जो हमारे एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको कंपनसेट नहीं किया है। इस बार गवर्नर इंतज़ामिया को चाहिए कि वो सामने आ चुके और एप्पल ग्रोवर जो है जो उनको नुकसान हो चुका है उनको फाइनेंशियली हेल्प करें। क्योंकि अगर हम इस तबके की बात करेंगे, मार्च के महीने से ये अपना काम जो है अपने बागातों में शुरू करते हैं और दिसंबर तक ये वहाँ पे काम करते हैं। और अगर हम देखेंगे, चाहे हम पेस्टिसाइड्स के हवाले से बात करेंगे, स्कैब जो है वो भी सेबों पे लगती हैं, चालाबारी होती है सेबों को नुकसान होता है, तेज़ हवाएं होती हैं तो इन्हीं एप्पल ग्रोवर्स को नुकसान होता है। कुल मिलाकर बताया जाएगा कि अगर ये तीन चीज़ें मुख्तलिफ वक्त पे होती हैं और इन तीन वक्त पे जो है एप्पल ग्रोवर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम आज की बात करेंगे, 50 मिनट से लगातार तेज़ हवाएं चल रही हैं, हवाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम इस वक्त दुशनीपोरा के एक साइड में आ चुके हैं जिसको एप्पल वैली के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो है बागात बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो कैमरा को जूम करे और आपको दिखाए कि यहाँ पे जो है कितने सेब नीचे गिर चुके हैं। जब हमने यहाँ पे एप्पल ग्रोवर से बात करने की कोशिश की थी तो उनमें गम था, उन्होंने हमारे साथ बात नहीं की, मगर उनके गम से ये जाहिर होता है कि किसी न किसी तरह गवर्नर इंतज़ामिया सामने आए, इनको मदद करें। क्योंकि जब भी मौसम में सूरत हाल बदलती है, जब भी मौसम बदलता है, चाहे तेज़ हवाएं चले या चालाबारी हो, तो यहाँ पे जो है अनंतनाग की बात क्या करें, पूरे कश्मीर की अगर बात करेंगे, जो लोग इस तबके के साथ वाबस्ता हैं उन्हीं को नुकसान होता है। इस स्पेशल रिपोर्ट के लिए अपने साथी सरताज के साथ मैं शाहिद ग्रोविंग कश्मीर के लिए। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।